तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से कई वादे किए थे और मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए उन वादों को अब पूरा करने का समय आ चुका है। और ऐसे में उन वादों को कैसे पूरा करना है, किन चरणों में, कितने समय में पूरा करना है, अब इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंथन कर रहे हैं। सीएम योगी ने चुनाव से पहले जिन संकल्पों का जिक्र किया उसमें सबसे अहम रहा कानून व्यवस्था को लेकर लिया गया संकल्प, जिस पर खास तौर से यूपी की जनता ने अपनी मुहर लगाई है। सीएम योगी को अब यूपी बुलडोजर बाबा के नाम से जानने लगा है। माफियाओं पर जिस तरीके से योगी सरकार का बुलडोजर चला, उसने जनता को सीधा संदेश दिया कि अब यूपी में संगठित अपराध अपने पैर नहीं फैला पाएगा। कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। सीएम योगी ने अपने पहले कार्यकाल में संगठित अपराध की कमर तोड़ने का जो संकल्प लिया था उसका असर उनकी पहली सरकार के दौरान सबने देखा। प्रदेश में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हुई, तमाम अवैध कब्जों को माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया गया और इसके अलावा सरकार ने बड़ी तादाद में माफियाओं के अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा योगी सरकार में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। संगठित अपराध के खिलाफ जिस तरह की मुहिम योगी सरकार की ओर से चलाई गई उसका अंदाजा आपको इन आंकड़ों को देखकर लग सकता है। माफियाओं के खिलाफ 11,930 मुकदमे दर्ज किए गए, 630 अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हुई, 1800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई, गैंगस्टर के तहत 13,801 मुकदमे दर्ज किए गए, 43,294 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद भाजपा का बुलडोजर दाव सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ। माफियाओं पर कार्रवाई और अवैध संपत्तियों पर चले बुलडोजर ने जनता का दिल जीत लिया। सीएम योगी के बुलडोजर वाले संकल्प ने जनता के प्रति सरकार का विश्वास और बढ़ा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में बाबा बुलडोजर के नाम से सीएम योगी का कद और भी ज्यादा बढ़ गया। सीएम योगी ने यूपी में की गई हर जनसभा से माफिया पर होने वाली कार्रवाई का जिक्र किया, साथ ही ये भी दोहराया कि आम लोगों को परेशान करने वाले अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जिस तरह से यूपी में अपराधियों के खिलाफ सरकार ने कदम उठाए उससे काफी हद तक लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर बढ़ा हुआ दिखाई दिया। प्रदेश के अंदर जो पेशेवर माफिया और अपराधी पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके गरीबों का, व्यापारियों का, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों पर नकेल कसते हुए 2046 करोड़ रुपए की उनकी अवैध कमाई को जब्त करने की कार्रवाई और भ्रष्टीकरण की कार्रवाई भी राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक किया। कानून व्यवस्था को लेकर जो संकल्प सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था उन्होंने उसे असल में सच साबित करके दिखाया। ऐसे में लंबे अरसे से माफियाओं का जुल्मो सितम सह रही यूपी की जनता ने न सिर्फ राहत की सांस ली बल्कि सरकार की कार्रवाई से उनका भरोसा सरकार में काफी हद तक बढ़ गया और यही वजह है कि यूपी में योगी सरकार के पक्ष में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। भाजपा के लिए मजबूत कानून व्यवस्था किसी ब्रह्मास्त्र से कम साबित नहीं हुई। योगी राज में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर काम किया गया उससे न केवल महिलाओं में सुरक्षा का भाव बढ़ा बल्कि आम लोगों को भी गुंडागर्दी जैसी परेशानियों से निजात मिली। यही वजह है कि भाजपा को चुनाव में मिली सफलता में योगी के संकल्पों ने अहम भूमिका निभाई। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा,